यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी अभी जो हमने पढ़ा एनालिटिकल मेथड, एनालाइज किया कि दो वेव के मिलने से नई वेव जो बनेगी उसका फेज, उसका एम्पलीट्यूड, वो किस पे डिपेंड करेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस क्या होंगी और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब पढ़ चुके हैं। अब उसी को हम क्या करने जा रहे हैं, एनालाइज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और ये कुछ नहीं, सिंपल, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा समझ में आ जाएगा और टेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, टेंथ वाला सही, टेंथ वाला मतलब देखो कुल मिला के पांच डिफरेंस हमने अभी देखा और फेज डिफरेंस सारा खेल है। यानी पिछले दिनों पिछले मतलब लेक्चर से हमने क्या देखा कि तुम मुझे फॉलो, मैं तुम्हें आई दूंगा, यही देखा ना, फिर से सुन लो, यही सब कुछ है, तुम मुझे फायदो, मैं तुम्हें आई दू, आई मतलब आई आगे, यही ना, अभी अभी हमने ये पढ़ा। फिर बाद में थोड़ा दिमाग लगाया और फिर पता चला कि तुम मुझे पांच डिफरेंस दोगे तो मैं फाइव निकाल दूंगा और उससे फिर से आई दूंगा, यानी तुम मुझे पांच डिफरेंस दो मैं तुम्हें आई, या टू चाहिए तो मैं टू दे दूंगा, यही ना, ये दो चीज अभी अभी देखा ना हमने, बोलो बच्चों पक्का ना, तो बताओ अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का है तो फाई कितने का है, फाई का, तो इंटेंसिटी कितनी है, अरे 180 का डिफरेंस तो मिनिमम आएगा ना, क्या आएगा मिनिमम, अरे बोलो भाई, और अगर I1 इक्वल टू I2 है तो कुछ समझ में आए क्या, एम्पलीट्यूड भी लिख दूं क्या, लिख देते हैं एम्पलीट्यूड, अब आई नहीं लिखूंगा, एम्पलीट्यूड ऊपर लिख देता हूँ, तो समझ में आ जाए कि ये हम एम्पलीट्यूड निकाल रहे, कितना हो जाएगा A1 माइनस का क्या एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आई, और इक्वल है तो ये, यही ना, एम्पलीट्यूड इक्वल है तो भी एक केस बन सकता है चाहे तो, ठीक। थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ बच्चों, जैसे कि हम जल्दी से दो चार क्वेश्चन कर लें, चलो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा अगर इक्वल है तो इंटेंसिटी भी इक्वल है तो जीरो, यही ना, चलो आराम से, कौन बोलेगा, फाइव टू पाई बाई 120 ना, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2A1 मतलब प्लस 2A1 cos थीटा cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस 2 हट जाएगा A1 यही ना, A1 पक्का ना, आई लिखने नहीं जा रहा हूं, कर लेना तो इसी से ना, यानी I1 प्लस I2 माइनस रूट I1 रूट I2 लिख दूं क्या, रूट I1 अरे ए स्क्वायर पर शर्ट वाई होता है ना, माइनस टू रूट टू कट जाएगा ना 1/2 से, सही ना, और एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो 2A
cos 60, cos 60 कितना होता है, मतलब ये हो जाएगा cos square नहीं 2a, हाँ 2a cos theta by 2, यही ना 2a cos theta by 2, 2a cos theta by 2, वेक्टर समझ आते ना, तो cos theta by 2 मतलब cos 60, 120 by 2, cos 60, cos 60 होता 1 by 2, पक्का ना, और इंटेंसिटी 4i cos square 60, तो 4 से 4 कट के क्या बच जाएगा, i, बोलो बच्चों, सोचो सोचो, बचेगा ना बच्चों, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 का बताओ, लैम्डा 4 मतलब कितना फेज डिफरेंस, पाई बाई 90 ना, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या हो जाएगा बचेगा, पक्का ना, आई वन प्लस ए रूट टू, ए रूट टू ना, टू ए कॉस 45, कॉस 45 में रूट टू टू होता है, कट के इसका स्क्वायर कर दो, तो 2a स्क्वायर a स्क्वायर आई होता है, अरे कुछ समझ में कैसे हुआ, बोलो बच्चों, तो इस टाइप से तुम्हारे क्वेश्चंस कुछ भी होंगे तो बनेंगे, है ना, और भी तुम जानते हो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो 100 बन सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लैम्डा बाई 6 क्या 2 पाई बाई 6, अरे लैम्डा बाई 6 मतलब लैम्डा के लिए 2 पाई होता है, 2 पाई बाई 6 कितना होता है 60 ना, तो 60 का फेज डिफरेंस होगा, 63 मतलब पाई बाई 3 है ना, a1 का स्क्वायर 62 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यही ना, बोलो i1 प्लस i2 प्लस अंडर रूट i1 i2 हाँ 2a cos 30 root 3 by 2 तो a root 3 याद आया, ये तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल 60 है तो a root 3, 45 तो a root 2, अरे 90 है तो है ना, ये वही है ना, 120 तो a, ये वही वाला है, रटा है ना, ये तो वेक्टर में भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म कई जगह 3 है, अगर मैं कहता हूं i max का 1/4 हो गया तो फेज बताओ जल्दी से, i max कितना होता है, 4i कितना होता है, 4i, तो फोर फेज कितना, π/2, समझे कि नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, वो देखेंगे, फिर से सुनो, i max का 1/4 हो जाए, i max कितना होता है, 4i का 1/4 हो जाए, 4i का 1/4, 4 करके i, i के लिए कितना, 5/5, याद रहेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन बनेगा, अरे कुछ भी देख के इधर पूछ लेना भाई, करेगा कि नहीं, बनेगा ना, कर लोगे क्या, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ ना, वेक्टर है ये, करा दिया अब क्या कराऊं, और कुछ आएगा तो इसी में रख लेना, है ना बच्चों, कर लोगे, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, आई, ये आई है तो ये कितना होना चाहिए, ए, ये कोई मतलब नहीं है, ये कितना होना चाहिए, 2π/3, और ये होना चाहिए, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता, ये पूछा गया आईआईटी में, हो सकते हो, फॉर विच फेज इंटेंसिटी विल बी 1/4 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, ऐसे समझ गए बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, यही ना, तो क्या हो जाएगा, ए रूट टू, यही ना, तो कितना, उल्टा भी चलेगा तो चलेगा, चलेगा ना, तो कर लोगे ये क्वेश्चन काम खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिला के अभी क्या था, ये अभी बस हमने इस पे
बात कर ली, कर ली ना, इस पे बात कर ली, काम खत्म, वो देखे ये या ये देखे वो, आगे बढ़े। यंग्स डबल, अब मैं उसमें चलता हूँ क्योंकि बहुत बनाना पड़ जाएगा नहीं तो मुझे, है ना, समझ गए ये सब। अब मैं चलता हूँ वापस अपने वाले पे जो हमने पढ़ा हुआ है, वो काफी बना के रखा है मैंने ना। ये सब जितना, हाँ ये एनालिटिकल मेथड है, तुम देखना, वेक्टर मेथड है और ये मैथ्स वाले के लिए एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड तुम लोग करते हो और भी कई जगह पे, मतलब इवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ये करते हो, ये तुम लोग देख रहे ना, कोई अलग चीज नहीं है, सिंपल है। ये कंडीशन जितनी भी लिखवाई है वहां पे सब यहाँ पे है। हाँ ये एक छोटी चीज याद रखो, देखना बच्चों, आई मैक्स जो होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू था ना रूट में, और रूट आई मिनिमम रूट आई वन मैक्स, बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसलिए ये लिखा है यहाँ पे, रूट आई वन प्लस रूट आई टू रूट आई वन मैक्स रूट आई टू, ये तो मैक्सिमम मिनिमम का रूट होता है। बोलो yes. यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, yes, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ये वाला जाके ऊपर ऐड होगा तो आई टू कट जाएगा, और इस वाले में से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, वहाँ पे आई टू कटा, यहाँ पे क्या कटेगा आई, तो ये आएगा ना। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, एकदम एक जैसा है, तो आई मैक्स ओवर आई मिनिमम रूट में जिस तरीके से आई वन आई टू से जुड़ा है एग्जैक्टली वैसे ही आई वन और आई टू रूट में आई मैक्स और आई मिनिमम से जुड़ा है। देखो याद रहेगा, नहीं समझे, अरे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो इतना में ये ऐड करोगे ना और फिर इसमें ये माइनस करोगे, वही काम उधर करो तो ये आ जाएगा। मैं कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है क्या देगा, कभी कभी आई वन आई टू देखे आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो पूछ देता है, और कई कभी कभी आई मैक्स और आई मिनिमम देके आई वन और आई टू का रेशियो पूछता है। फिर से और रिपीट करेगा, करेगा रिपीट, आई वन आई टू देके आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो पूछता है, तो ये आएगा, और कभी कभी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दे देगा, सही ना। तो ये दोनों एकदम एक जैसे ही काम करते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे काम करते हैं। देखो आई वन प्लस आई टू अपन आई मैक्स आई टू, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, काम करते एक जैसे काम करते, ठीक है ना। अब अगर याद करोगे तो टाइम बचेगा, नहीं तो इसमें रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, आना तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई आई मैक्सिमम तो तुम्हें पता है ना और आई मिनिमम भी तुम्हें पता है ना, पता, बोलो बच्चों, जब ये पता है तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा के काम खत्म कर लो तभी आ जाएगा, लेकिन ये याद कर लो इसी की तरह से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एकदम ऐसे ही। यहाँ पे भी ए मैक्स क्या होता है, ए वन प्लस ए टू, ए मिनिमम क्या होता है, अब कंपोनेंट डिविजन लगा दोगे तो वही रेशियो एकदम ए वन अपॉन ए टू का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चो, ये छोटा अपन बड़ा समझाने के लिए, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, समझा चुका हूँ पहले, तो ये सब मेरे नोट्स हैं तुम देख लेना। अब बात आती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारी कोशिश क्या है, हम जो अभी अभी हमने पढ़ा उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि देयर इज फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, तो इंटेंसिटी डिपेंडेंट कैसे रहेगी, बस ये, यानी अभी तक हमने केवल यही पढ़ा कि डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑन ऑन व्हाट पाथ एंड फेज डिफरेंस, बस। तो फेज डिफरेंस को हम देख नहीं सकते, एक्चुअल कौन है फेज डिफरेंस, एक्चुअल पाथ डिफरेंस कौन है बताओ, एक्चुअल फेज है, एक्चुअल कौन है, एक्चुअल मतलब हमने जो भी डेरिवेशन किया वो किसके बेसिस पे किया, एक्चुअल पाथ नहीं है, एक्चुअल कौन है फेज, यानी पाथ से तुम्हें कहां पे आना पड़ेगा फेज में, फेज से फिर इंटेंसिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कुछ कंफ्यूजिंग है तो, कुछ कंफ्यूजिंग है तो, किसी टाइम पे तुम्हें पाथ कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या देखना है, तो कौन किसको देखना है, फेज। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत लंबे, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो उसको,
मैंने अभी अभी क्या को बोला, रिपीट करो चलो yes. क्या रिपीट, क्या बोला अभी मैंने सर? अगर पास मतलब पता नहीं, मतलब पता नहीं है तो फेस को दिखा, क्या बोलते हैं फिर से बोलो एक्चुअल फेस है, एक्चुअल कौन है? एक्चुअल रिजल्ट फेस है निकालना, सही ना? अगर पाथ करेक्ट मतलब सही से एक्सप्लेन कर रहा है फेज को तो अच्छी बात है, नहीं तो पाथ को बढ़िया से एनालाइज करके उसको किसमें बदलोगे? फेज में, तब जाके फाइनेंसी निकालोगे। मेरी बात समझ में? जैसे हवा में एक वेव कहीं से आ रही है और बीच में तुमने एक स्लैब रख दिया, स्लैब स्लैब मतलब शीशे का एक टुकड़ा रख दिया, मतलब ग्लास स्लैब। अब पार्ट डिफरेंस सेम थोड़ी है, हवा में आना और ग्लास स्लैब में आना दोनों एक ही चीज है क्या? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब हवा वाला तो चलो ठीक है, लेकिन ग्लास स्लैब वाला तो धीरे धीरे चलेगा ना। बोलो बच्चों, इसका मतलब ये हवा वाला आराम से चल रहा था, चल रहा था ना, उसके बाद तुमने स्लैब रख दिया, स्लैब रखने में बेचारा हो गया वो, दिक्कत कहाँ हो गई? समझ में आया? तो अब तुम्हें यह देखना पड़ेगा यहां से पहुंचा और एक यहां से पहुंचा, क्या कंपेयर करोगे? फेज। बात करोगे तो काम खत्म, और बात करोगे तो उसको फेज के टर्म में लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे केस में एक्चुअल कौन है जो हमें रिजल्ट देगा? फेज। पाथ से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं और पाथ में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो हम कंसीडर करेंगे उसके हिसाब से, जैसा कि ये मैंने कहा। स्टोरी क्लियर है? तो यहाँ पे पहला लाइन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या था? मेरा पहला लाइन क्या था? एक्चुअली तो हम देख रहे हैं फेज, लेकिन सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ, क्योंकि फेज देखना आसान नहीं है। फेज देखने के लिए वेव बननी पड़ेगी, वेव को देखना पड़ेगा। वेव को देख सकते हो क्या तुम? देखे देखो वहां से यहां तक आने में कितने साइकिल, मैंने बोला कितने साइकिल में पहुंचा तुम्हारे पास? नहीं पता, डिस्टेंस पता है। और अगर लैम्डा मिल जाए तो पता चल जाएगा फेज कितना है। इसका मतलब हम करने क्या जा रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करने जा रहे हैं? एक्चुअल तो फेज ही चाहिए, लेकिन फेज देखना नहीं आसान है, इसलिए हम किसको किससे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं? पाथ। और पाथ देख के फेज में आएंगे वापस, याद रहेगा? तो पाथ को एनालाइज करके फिर फेज में तो आना ही है, लेकिन पाथ हमारी चीजों को आसान कर दे इसलिए पढ़ रहे हैं। तो सारा खेल पाथ डिफरेंस से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलो एक तरह से शुरू करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्स, जैसे हम लोगों ने कहा ना दो तरफ से दो वेव आ रही है, तो दो वेव जो आ रही है वो दो सोर्स है, एक का नाम है S1 दूसरे का नाम है S2, और ये दोनों कैसे सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स, रिक्वायरमेंट फॉर इंटरफेरेंस। अगर कोहेरेंट नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं, और कोहेरेंट में क्या? कांस्टेंट फेज, कांस्टेंट पाथ, नेचुरल फेज डिफरेंस कांस्टेंट टू पाथ डिफरेंस कांस्टेंट। तो ये और ये अलग नहीं है, एक ही चीज है वो, लेकिन कंडीशन पूछा है तो ये चारों एक साथ मतलब चारों फॉलो होंगी। फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं हो तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इनटू टी का एक वो आ जाएगा एक्सप्रेशन जो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये होना पड़ेगा, है ना? और ये क्या है? वेव मस्ट बी, कोई कंफ्यूजन या मिटोगे? दिक्कत नहीं, वेव मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो देखो रिक्वायरमेंट तो केवल ये और ये है, ये दोनों तो इसी की कंडीशन है। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, क्या बोला मैंने? ये और ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये दोनों क्या है? अगर ये होना है तो ये दोनों होना पड़ेगा। ये तो कंडीशन चार नहीं है, कंडीशन दो है, दो उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे तो होगा ही नहीं पहला वाला केस। सुना क्या मैंने क्या कहा? इसके ये दोनों क्या है? रिजल्ट्स है। तो भले ही चार पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट तो बस ये और ये है, क्योंकि ये एक अलग चीज है कि टूटी गया तो फिर केस का क्या मतलब, इसलिए समझ गए? समझा पाए होंगे बच्चों? ये हो गया तुम्हारा रिक्वायरमेंट पहली। दूसरा, अब नेचुरल दो जगह से सोर्स आने चाहिए, दो सोर्स होने चाहिए, और दोनों सोर्स क्या होने चाहिए? कोहेरेंट। तो ये जो सोर्स है उनको हम कहते हैं यहाँ पे स्लिट। और कैसे स्लिट बनाया? एक एक ग्लास स्लैब ले लिया, ग्लास स्लैब और दिया जला के, दिया एग्जांपल बोल रहा हूं,
दिया जला लिया, दिया जल रहा था, उसके ऊपर मैंने ग्लास है रख दिया, क्या रख दिया, क्या हो गया, काला हो गया, हो गया ना, क्या हो गया एकदम, वो काला हो गया एकदम, सही है, मतलब पूरा। अब उधर से लाइट मारोगे सीधा जाएगी क्या, अब इसमें एक छेद कर दिया S1, एक छेद कर दिया S2, अब पीछे लाइट मारोगे तो ये S1 और S2 दो जलेगा ना, दो सोच के काम करेगा ना, यही है स्लेट, याद आएगा, या ये दोनों, ये स्लैब की जगह पे या तो दो छेद कर दिया, साफ कर दिया, कार्बन पैक हटा दिया, तो दो सोर्स हो गए, या दो लाइन खींच दिया ऐसे, ब्लेड से एक लाइन खींच दी पतली सी, ब्लेड से एक और लाइन बहुत पतली सी, ये दो लाइन खींच दी, तो दो सोर्स और हो गया ना, तो ये दोनों सोर्स कैसे हो गए, लाइन सोर्स, और पहले वाले दो कौन से थे, पॉइंट सोर्स, याद रहेगा, तो स्लिट, लाइन सोर्स या पॉइंट सोर्स, दो टाइप का यूज करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में जैसे ही आएगा सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, कि सोर्स कैसा है, लाइन सोर्स है कि पॉइंट, याद रहेगा, और इसके पीछे लाइट जलाओगे तो ये दोनों ग्लो करेंगे और दो सोर्स की तरह काम करेंगे, काम खत्म हुआ, हो गया, तो पॉइंट सोर्स, वापस आते हैं मैथ वालों, हाइपरबोला की डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, कोई तो बचाओ, बताओ, बचाओ तो है, निकल गया असली, कोई तो बचाओ, असली बात निकल गई, पर कोई बचाने वाला है इस साल हम लोगों को, हाइपरबोला की डेफिनेशन कोई बताएगा, अरे कोई तो बता दो, कोई दो तीन डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है, वो कर्व कहां से आया, वो डेफिनेशन है, चलो एक तो वो है कि एक लाइन और एक पॉइंट से डिफरेंस, डिस्टेंस का सॉरी रेशियो वन से बढ़ाओ, एक लाइन ऐसा पॉइंट जिसका एक लाइन से डिस्टेंस और एक पॉइंट से डिस्टेंस का जो रेशियो वन से बड़ा, एक तो ये सेंट्रिसिटी वाला जिसको ये कहते हैं रेशियो को, और वो वन से बड़ा होना चाहिए, सुना सबने, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा है, दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, पढ़ा है तुमने, दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, फिर से एक पॉइंट एस, कुछ भी एस वन है, एक पॉइंट एस टू है, और वो सारे पॉइंट्स जिनका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, हाइपरबोला कहलाते हैं, मतलब वो जो पाथ बनेगा उस पॉइंट का वो हाइपरबोला होगा, फिर से एक S1 है और एक क्या है S2, तुम हर उन पॉइंट को आपस में मिला दो जिनका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, समझ गया क्या, तो वो जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला की डिफिनेशन क्लियर हो गई, पहली डिफिनेशन क्या थी, एक लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और एक पॉइंट जिसको फोकस कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस का रेशियो E है और E1 से ज्यादा है तो हाइपरबोला बनेगा, ऐसा पाथ है ना, कांस्टेंट है और वन से बड़ा है, और कांस्टेंट वन से छोटा है तो एलिप्स बनेगा, और वन है तो पैराबोला, सही है, हाइपरबोला की वो दूसरी डिफिनेशन क्या है, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का डिफरेंस, अरे सम कांस्टेंट है तो एलिप्स हो जाएगा, दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एलिप्स, एलिप्स की डिफिनेशन है, समझ गए, तो एलिप्स की भी दो तीन डिफिनेशन है, एक तो हमने फिजिक्स में की है कि एक एक्सिस पे दूसरे एक्सिस पे एक रॉड रख दो, इस तरह की रॉड का एंड हमेशा वाई और एक्स पे मूव करे, कैसे मूव करे, वाई एंड एक्स पे, तो इसके किसी पॉइंट का जो लोकस होगा वो एलिप्स होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है अपने सेंटर मास वाले केस में कि एक रॉड है, सब लोग सुनेंगे, एक रॉड है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, उसको गिरने के लिए छोड़ दिया, तो सेंटर का रॉड के सेंटर और लोएस्ट पॉइंट के बीच बीचों बीच पॉइंट है, रॉड के सेंटर, रॉड के एंड नहीं, रॉड के सेंटर और लोएस्ट पॉइंट के बीचों बीचों पॉइंट है, उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और इनके बीच में कोई भी पॉइंट होगा उसका पाथ इलिप्टिकल होगा, ये रटा होना चाहिए, ये वही डेफिनेशन से इसी से प्रूफ होता है। चलो फिलहाल अभी हम लोग पढ़े थे स्लिट, स्लिट समझ में आ गया दो ढाई, अब बताओ सोच समझ के बताओ मुझे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पे मैक्सिमा बनेगा, क्या बनेगा,
इसके पीछे लाइट जला दी, यानी तुम समझ रहे हो ना, एक स्क्रीन रख दिया यहाँ पे, अरे स्लेट रख दिया, लाइन सोर्स ले लिया लाइट, और पीछे लाइट जला दी, ट्यूब लाइट जला दी, क्या लगा दी, जला दी ट्यूब लाइट, बहुत बड़ी सी ट्यूब लाइट। तो लाइट कैसे जाएगी समझ में आ रहा है, ये लाइन सोर्स एक और ये लाइन सोर्स दो, दो लाइन सोर्स के काम करेंगे। अरे बोलो बच्चों, मुझे वो पॉइंट चाहिए जहां पे मैक्सिमा बने, तो मैक्सिमा बनने के लिए दोनों का पावर डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो या लैम्डा या टू लैम्डा, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना, और लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा का मल्टीपल। अरे मेरी बात समझ में आई, तो एक लाइन दिया है तुम्हें, एक रॉड रख दिया, लंबा सा रॉड रख दिया, दूसरा भी लंबा सा रॉड रख दिया, और तुमसे बोला कि तुम चलो इस तरह से कि हमेशा डिस्टेंस इक्वल बनी रहे, मतलब दोनों से डिफरेंस, दोनों से डिस्टेंस इक्वल बनी रहे, कैसे चलोगे, बीचों बीच चलोगे, उसके पैरेलल कहीं भी चलोगे तो इक्वल बनी रहेगी। अरे बोलो बच्चों, अच्छा मैं ऐसे कहूं कि चलो ऐसे कि डिफरेंस कांस्टेंट हो, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, यहां से 2x डिस्टेंस, यहां से x डिस्टेंस रखोगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा ना, डिफरेंस 2x - x। अरे बोलो बच्चों, यानी उस रॉड के पैरेलल कोई भी जगह जाओगे, पैरेलल कोई भी जगह जाओगे तो हर जगह क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा, और डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, और पार्ट डिफरेंस जहां पे कांस्टेंट रहता है वहां पे इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। अरे पार्ट डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट, फेज डिफरेंस मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट। पता नहीं क्या बोले, नहीं फिर से बोलूं, सुनो, तो लाइन सोर्स से वो सारे पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, नहीं वो सारे पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा वहां पे तो पाथ डिफरेंस जीरो ही होगा, वहां पाथ डिफरेंस क्या होगा, अब वो कैसा पाथ बनेगा, लाइन, क्या बनेगा, यानी दोनों के पैरेलल लाइन पे कहीं भी जाओगे, एक लाइन पे कहीं भी जाओगे तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस जीरो रहेगा अगर इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे तो। वापस आते हैं, तुम जाओ, अब नीचे सॉल्व कर दिया है, दिख रहा है क्या कहीं पेज, दिख रहा है, चलो सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तुम्हें इस तरह से चलने के लिए बोला कि दोनों से डिस्टेंस कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट भाई बीचों बीच जाओ, तो यहां से पास और वहां से पास का डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो, थोड़ा ऊपर होके जाओ तो भी जीरो, थोड़ा और ऊपर जाओ, अरे मेरी बात समझ में, तो पाथ डिफरेंस जीरो होने के लिए कैसे पाथ पे चलना पड़ेगा, लाइन, किस पे चलना पड़ेगा, इसका मतलब इन दोनों से पाथ डिफरेंस जीरो होने के लिए कैसे लाइन पे चलना पड़ेगा, दूसरी लाइन, कैसे पाथ पे चलना पड़ेगा, लाइन पे, मेरे वर्ड समझ में आ रहे, फिर से सुनो, इसको साइड से देखो, एक लाइन ये है अंदर की तरफ, एक लाइन ये है, अगर तुम यहां से चल रहे हो तो यहां से तुम्हारा डिफरेंस डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का जो डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ऐसे है ना, ये भी ऐसे है ना, तो कहीं से भी इसका और इसका डिस्टेंस का डिफरेंस निकालोगे तो सेम ही आएगा कि नहीं, अरे बोलो बच्चों, बोलो, तो इसका मतलब कि इस दोनों के पैरेलल कोई भी पॉइंट लाइन ले लोगे उस पे जो पाथ का डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं, और पाथ डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, इसका मतलब ऐसे सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या रहेगी, तो अगर मैं ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, लैम्डा, कैसा क्या हो जाए, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, 4 आई रहेगी ना, उसको हम कहेंगे क्या, मैक्सिमा, क्या बने, क्या कहेंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब दो लाइन सोर्स के पैरेलल किसी भी लाइन पे अगर तुम जाओगे तो उसके हर जगह पे इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, बोलो, और अगर अलग अलग लाइन पे जाओगे तो कुछ लाइन ऐसी मिलेगी जहां पे इंटेंसिटी कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसा होगा कि नहीं, मेरे वर्ड समझ में आ रहे क्या बोल रहा हूं,
नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है इसलिए मुझे कहीं और से पहले जाना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पे रोकते हैं, मैं या तुरंत डालो अभी फिलहाल दो लाइन रखो, दो लाइन से ये दो लाइन है ना सोर्स से, सामने स्क्रीन रखोगे दो लाइन सोर्स स्लिट है, इसके सामने एक स्क्रीन रख दिया, उस स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो वो भी लाइंस बनेंगे, क्या बनेंगे स्ट्रिप्स बनेंगे, स्ट्रिप्स याद हुआ वापस आओ, स्लिट कैसा है लाइन सोर्स, आराम से थोड़ी लंबी सांस लो और थोड़ा फ्री हो गया फिर से सुनो, क्योंकि एक चीज सुनते सुनते जब समझ नहीं आता तो खतरा हो जाता है दिमाग, सुना क्या सबने, पीछे हो गया आराम से हो और सुनो फिर से बता रहा हूं, दो लाइन सोर्स यानी स्लिट्स के सामने एक स्क्रीन रख दोगे तो उस स्क्रीन पे कोई भी इन दोनों के पैरेलल लाइन पे पाथ रेफरेंस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, पाथ रेफरेंस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, इसलिए फेज डिफरेंस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, इसलिए इंटेंसिटी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट, समझ गए, तो ऐसा कोई पाथ डिफरेंस जहां ऐसा कोई दो मतलब दोनों जगह से डिस्टेंस जहां का डिफरेंस लैम्डा हो जाए क्या हो जाए उस जगह पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और हम कहेंगे कि ये क्या बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज बना, क्या बना इंटरफेरेंस हुआ और ब्राइट फ्रिंज बना, इसका मतलब कि दोनों सोर्स से के सामने मैंने स्क्रीन रखा तो उस स्क्रीन पे एक लाइन बनेगी किसकी ब्राइट फ्रिंज की, क्या बनेगी क्योंकि यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो लैम्डा मान लो लेते हैं, तो यहां पे भी कहीं पे भी इसके पैरेलल कहीं भी डिस्टेंस लोगे तो हर जगह पार्ट डिफरेंस कितना होगा लैम्डा, और अगर पार्ट डिफरेंस हर जगह लैम्डा होता है इसका मतलब क्या बनेगा हर जगह कंस्ट्रक्टिव, मेरी बात समझ में आई, बोलो बच्चों नहीं आया समझ में आया फिर से सुनो, चलो फिर से सुनो, ये स्लिट वन है एस वन और ये स्लिट क्या है टू, इसके बीच यहां पे सामने एक स्क्रीन रख दिया मैंने, ये स्लिट समझ रहे हो ना अंदर की तरफ है, बीचों बीच यहां पे एक पॉइंट ले लिया, बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया, बताओ ये डिस्टेंस लो ये डिस्टेंस ले लिया और ये डिस्टेंस ले लिया, बीचों बीच पॉइंट है, कौन क्या कौन बताएगा पार्ट डिफरेंस कितने का हो जाएगा, अरे सेम डिस्टेंस है ना तो पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया जीरो, और पाथ डिफरेंस अगर जीरो का तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, इंटेंसिटी क्या हो गई मैक्सिमम, फोर आई होगी कि नहीं, इसको क्या कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कहेंगे कब हो रहा है क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं, अच्छा अब बताओ थोड़ा और दूर जाओ यहाँ पे जाओ, क्या लगता है ये रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों भाई क्या दिक्कत है, चलो समझ में आया बच्चों, अरे बोलो सोचो आराम से टाइम ले लो, फिर से देखो अब थोड़ा ऊपर जाओ, अब ये पाथ थोड़ा लंबा हो गया ना और ये पाथ थोड़ा छोटा हो गया, अब ये जो पाथ डिफरेंस है हो सकता है 0.1 लैम्डा का हो जाए, कितने का हो जाए, और ऊपर जाओगे तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, अरे कहीं तो होगा 0.5, और 0.5 का मतलब फेज डिफरेंस कितने का, हाँ पाई का, तो उस समय क्या बनेगा आई जीरो, अगर ये इंटेंसिटी सेम रहे तो जीरो आएगा कि नहीं, यानी मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, आएगी क्या मेरे वर्ड समझ में आए, ऐसे ही और जाओगे ऊपर तो कहीं पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा बच्चों लैम्डा, तो फिर से क्या हो जाएगा मैक्सिमम बनेगा, ऊपर जाओगे तो मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर समझ में आ रहा है, और ये सेप कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्यों क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ये सारा का सारा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जैसे ये ले रहे हो x = डेल्टा x = 0, ये कैसे पॉइंट आएगा, एक लाइन होगी पूरी जो यहां से और यहां से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो, यानी हर पॉइंट पे सिमिलर सिचुएशन आएगी और हर जगह पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, तो क्या बनेगा एक पूरी स्ट्रिप बनेगी स्ट्रेट लाइन, कैसे बनेगी स्ट्रेट लाइन, यहां तक पता नहीं क्यों इतना बताना पड़ रहा है मुझे,
पिछले दिनों में तो नहीं हुआ था, पता नहीं सही समझाने पर ट्रैक बदल जाता है, कभी गड़बड़ हो जाता है। फिर से सुनो, कैच देते समय क्या समझाना है, समझ में आया? तो मैंने ऐसे डिवाइड किया है, मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ाने के लिए ऐसे डिवाइड किया कि मैं पहले स्लिट के बारे में बताऊं, फिर उनके शेप के बारे में बताऊं कि शेप कैसा बनेगा, तब जाके उसके बाद डेरिवेशन स्पीक की बात करो, सही ना? और ये बनाने के बाद, ये बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, पता नहीं क्यों। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सोर्स के सामने जो स्ट्रिप बनेगी वो लाइन बनेगी। लाइन सोर्स के सामने स्ट्रिप कैसी बनेगी? जो ब्राइट 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 और बीच में डार्क। अरे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क कैसे बनेगी ना, कैसी बनेगी ये? लाइन स्ट्रिप बनेगी। कैसे बनेगी? जिसको फ्रिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज कैसे बनेगी? लीनियर बनेगी। कैसे बनेगी? जबकि पॉइंट सोर्स है ये हाइपरबोलिक बनेगी। पॉइंट सोर्स से क्या बनेगी? क्योंकि पॉइंट सोर्स से वो पॉइंट कौन है जो यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट अगर रहेगा तो क्या बनेगा? वो हाइपरबोला। तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या बनेगा? हाइपरबोला। लाइन सोर्स के लिए क्या बनेगा? लीनियर फ्रिंज। याद रहेगा? yes. तो मैं वही बताना चाह रहा था, अभी फिर वापस ये सब तो आएंगे अभी, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था मेरे ख्याल समझा पा रहा हूँ। ये पहला ये है, दूसरा ये है। ये देखो, लाइन सोर्स है, जितने भी फ्रिंजेस बनेंगे, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, सब डार्क ब्राइट बनेगा, स्ट्रिप्स बनेंगे। स्ट्रिप्स कैसे स्ट्रिप्स बनेगी? स्ट्रेट लीनियर स्ट्रिप्स बनेंगे। जबकि पॉइंट सोर्स के लिए सेंट्रल, तो सेंट्रल तो क्या बनेगा? स्ट्रेट। बाकी क्या बनेगा? हाइपरबोला। क्या बनेगा? ये लाइन समझ में आई? तो पहला काम, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, एक उसमें दो सोर्स ले लिया, दो सोर्स लीनियर हो सकता है या पॉइंट सोर्स, तीन लाइन सोर्स के लिए जो स्ट्रिप बनेगी या जो फ्रिंजेस बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जबकि पॉइंट सोर्स के लिए जो फ्रिंजेस बनेगी वो हाइपरबोला। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये उसका डेमोंस्ट्रेशन एक तरह से। ये क्या है हमारा? स्लिट, सही ना? इधर तो ये स्लिट S1 और S2 है। स्लिट S1 S2 को स्लिट कहते हैं। मैंने कौन सा स्लिट लिया यहाँ पे? लाइन वाला। समझ गए? उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d। उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल। इससे कितनी दूर स्क्रीन रखा है? ये लगभग होता है 1 मिलीमीटर। कितना होता है लगभग? और ये लगभग क्या रहता है? रेशियो लगभग सेम ही रहेगा, लगभग सेम, यानी ये 0.5 होगा तो ये कितना होगा? 0.5 मीटर लगभग। मेरी बात समझ में आई? यानी तुम्हें ये फील करने के लिए बताया है कि स्लिट के बीच की दूरी कितनी कम और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी ज्यादा होगी, इसको बताने के लिए इसको लिखा है, तुम उसको फील करो। मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया तुम्हारा एक। इसके बीचों बीच जो पॉइंट है, उस पॉइंट के एकदम सामने जो स्ट्रिप बनेगा उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की डिफिनेशन क्या है? बोलिए, सेंट्रल मैक्सिमा की डिफिनेशन, जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो होता है। सेंट्रल मैक्सिमा कौन है? वो पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो, उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। केवल जहां पाथ डिफरेंस जीरो का या फेज डिफरेंस जीरो का, उसी को सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। याद रहेगा? पाथ डिफरेंस मतलब एक्चुअली फेज डिफरेंस की बात हो रही है। मैंने कहा ना, पाथ से ज्यादा किस पे ध्यान दोगे? फेज। पाथ का यूज करना है सिंपलिसिटी के लिए। समझा पाए हमें? अब बात आती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या। तो फिर से ये S1 है, ये कौन है? मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ पे जाओ, चाहे पॉइंट सोर्स चाहे लाइन सोर्स, जब हम स्क्रीन पे ऐसे देखेंगे 2D में, तो ये ब्राइट डार्क ऐसा होता जाएगा। अरे कुछ समझ में? थक गए क्या? थक गए क्या? लगता है थक गए। बैठा सामने बुढ़ी नीचे ये तो फेस पिटा तो जैसे मुर्गी वाले पास जाओगे तो कुछ मुर्गी ऐसे बैठे रहते हैं, सांस लेते रहते हैं कि बस अब तो गए। किसी और को ऐसी फीलिंग करी आ रही तो छोड़े। चलो चलो सब लोग सुनेंगे।
तो सारा खेल ये है कि S2 से P तक, इधर देखो S2 से P तक और S1 से P तक जो पाथ है दो वेव का उनका डिफरेंस मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि वहां पे क्या होने वाला है, यही ना, या किसी जनरल पोजीशन पे क्या होगा ये जानने के लिए मुझे पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, ये और ये मिला दिया दोनों को, और मैं तुम्हें कहा था कि ये होता है करीब करीब एक मिलीमीटर और ये होता है एक मीटर इस रेशियो में, इसका मतलब कि ये एक मिलीमीटर, तुम समझ रहे हो मिलीमीटर कितना होता है, बस इससे भी छोटा, वो एक मिलीमीटर, और मीटर तुम समझ रहे हो कितना होता है, करीब करीब इतना, यानी दोनों एंड को मिला के उससे दौड़ोगे तो ये एंगल जो आएगा लगभग क्या आएगा, जीरो, और वो अगर जीरो आएगा तो यहां से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होगा 90, और वो जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ये दोनों क्या हो जाएंगे 180 एंगल के दो साइड्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया, तो यही तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस हो गया, इसका मतलब बस ये निकाल दो तो काम बन जाएगा। और ये कितना दिया S1 से S2 के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल d, उसको कहते हैं स्लिट डिस्टेंस, स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, सही ना। अब जरा देखना हम देख कहां रहा है, कहां किस जगह पे देख रहे हैं, क्या एंगल, आराम से सुनना, हम किस जगह पे देख रहे हैं, देख लेना, हम थीटा एंगुलर पोजीशन पे देख रहे हैं, हम सुनना सुनना इस चीज को, हम थीटा एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो थीटा एंगुलर पोजीशन अगर ये है तो ये भी तो थीटा ही है, और ये कितना हो गया फिर उस समय, तो ये कितना हो जाएगा, सबको समझ में थीटा हो गया, और ये कितना है, और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये, उसका ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, कितना, इसका मतलब यहां से वहां और यहां से वहां जाने वाली वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, डी साइन थीटा, फिर से एक बार ये समझ में आ गया, पाथ डिफरेंस हो गया डी साइन थीटा, क्लियर बच्चों, अब हमें समझ में आ गया ये जो पाथ डिफरेंस है S2P-S1P वो डी साइन थीटा है, थीटा कौन है, जहां पे हम देखना चाहते हैं, यानी अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने क्या देखा, यानी तुम मुझे थीटा बताओ, मैं तुमको वहां का पाथ डिफरेंस बता दूंगा, वहां का पाथ डिफरेंस बता दूंगा कितना, डी साइन थीटा, समझ में आ गया बच्चों, और एक बार मुझे डी साइन थीटा मिल गया, पाथ डिफरेंस मिल गया, तो अब वहां पे तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, तुम मान लो तुम्हें चाहिए कि वो थीटा बताओ जहां पे फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा, सोचो काम खत्म हो गया, मान लो मैं कहता हूं वो पॉइंट वो एंगल बताओ जहां पे फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा, इसमें ये पार्ट डिफरेंस उस जगह पे क्या होना चाहिए, फाइव टाइम, सोचो अरे ये पार्ट डिफरेंस आ गया, और ये पार्ट डिफरेंस हमें कितना चाहिए, फाइव लैम्डा, क्योंकि वहां पे क्या बोलना चाहता है वो, तो इसको 5 लैम्डे से कंपेयर करके एक इक्वेशन मिल जाएगा, जो चाहिए वो निकल, एंगुलर पोजीशन निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं, कोई वो पॉइंट बताओ जहां पे मुझे नाइन्थ मिनिमा मिलेगा, 8.5 लैम्डा, यानी यही किसके बराबर कर दू, 8.5, अरे काम बन जाएगा, इसका मतलब मुझे क्या पता चल जाएगा, तुम बताओ कि क्या चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ एंगुलर पोजीशन क्या होगी, मिल जाएगा कि नहीं, फोर्थ मैक्सिमा चाहिए 4 लैम्डा है ना, टेंथ मिनिमा चाहिए 9.5 लैम्डा, बोलो समझ में आया क्या, तो इसका मतलब कि हमें क्या समझ में आ गया, एक क्लियर हो गया, अब देखना इससे और भी एक चीज भी निकली, ये तो एंगुलर पोजीशन है ना बच्चों, ध्यान सुनो सुनो ध्यान से, ये क्या है एंगुलर पोजीशन, लेकिन थीटा अगर बहुत छोटा, ये थीटा बहुत बड़ा नहीं दिया, ये वाला थीटा, वो वाला थीटा तो छोटा ही है, मेरी बात समझ में आई, ये वाला थीटा तो छोटा है, लेकिन अगर ये भी बहुत थीटा बड़ा नहीं लिया तो साइन थीटा को हम टेन थीटा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, और टेन थीटा मानेंगे तो साइन थीटा को टेन थीटा मान के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख सकते हैं, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, क्या है परपेंडिकुलर, देखो तो क्या है, वो पोजीशन जहां पे तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी, सेंट्रल मैक्सिमा से क्या चाहिए, दूरी, जहां पे तुम चाहते हो, मान लो कोई पूछे कि फिफ्थ मैक्सिमा की दूरी बताओ, फोर्थ मैक्सिमा की दूरी बताओ, तो ये yn क्या है, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, क्या है ये,
इसलिए उसका नाम है y n नाम दे दिया पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। तो ये क्या है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, क्या है ये एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा है ना। और ये क्या है पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। अरे मेरी बात समझ में आई, पोजीशन उसे कह रहा है ना वो डिस्टेंस। अरे इसको ओरिजिन मान लो तो पोजीशन ही होगी ना। बोलो बच्चों तो पोजीशन ऑफ इसका मतलब भी अभी अभी हमने पाथ डिफरेंस से एंगुलर पोजीशन या पोजीशन को कनेक्ट करना सीख लिया। किससे? पाथ डिफरेंस, वहां पे जो पाथ डिफरेंस है उससे एंगुलर पोजीशन को कनेक्ट करना सीख लिया, यही ना। और पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मैक्सिमा, कौन सा nth है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। यानी अभी अभी हमने क्या सीखा बताओ, क्या लगता है क्या आ जाएगा अब तुम्हें? तुम मुझे थीटा बताओ, मैं तुम्हें वहां का पाथ डिफरेंस बता देता हूँ, और साथ में डेल्टा एक्स से क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स कैसे पता चलेगा? नहीं, कौन सा मैक्सिमा चाहिए, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मिनिमा, कुछ चाहिए ना। इसका मतलब तुम मुझे ये बताओ कि कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, यानी कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा, यही ना बच्चों? बोलो बोलो, यानी कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमम तुम्हें चाहिए, उसके हिसाब से तुम मुझे, उसके हिसाब से मैं तुम्हें डेल्टा एक्स दे दूंगा, और उस डेल्टा एक्स से तुम्हें क्या मिल जाएगा, थीटा, या तुम्हें क्या मिल जाएगा वाई एन। समझ गए? यानी तुम बताओ मुझे आठवां मिनिमा चाहिए, तो मैं तुम्हें उसके लिए क्या दे दूंगा, पाथ डिफरेंस 7.5 लैम्डा। तुम उससे क्या निकाल लोगे, थीटा, उससे तुम क्या निकाल सकते हो, वाई एन। तुम समझ गए क्या जानते हो? तो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फोर्थ मैक्सिमा कहां बनेगा, कितना दूर बनेगा, फोर्थ मैक्सिमा कितना दूर बनेगा। तो फोर्थ मैक्सिमा मतलब क्या, फोर लैम्डा, उससे क्या निकल जाएगा, थीटा, क्या निकल जाएगा। अरे समझ में, यानी एंगुलर पोजीशन, तुम नाम बताओ, गिनती बताओ, मैं तुम्हें एंगुलर पोजीशन या पोजीशन बता दूंगा, यही ना। क्या सीखा अभी अभी समझ में आ गया वो देखो, उल्टा भी, तुम जगह बताओ कहां पे क्या चाहिए। अगर कोई पूछे कि भाई यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनेगा, क्या इंटेंसिटी होगी, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या इंटेंसिटी होगी, तो क्या करोगे बताओ, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या इंटेंसिटी होगी, कौन बताएगा क्या करूं, तुम्हें क्या मिल गया, उसे क्या मिल जाएगा, सही है। और थीटा से इंटेंसिटी, अरे थीटा है ना, थीटा से फाई, थीटा से क्या मिलेगा, और फाई से इंटेंसिटी, सुने क्या, थीटा से क्या मिलेगा, अरे यहीं से मिल जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस है ना, पार्ट डिफरेंस से वो मत जाओ, पार्ट डिफरेंस क्या मिल जाएगा, फाई, और फाई से क्या मिल जाएगा, फिर से आराम से। कोई बोलेगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे इंटेंसिटी बताओ, 2 सेंटीमीटर, तो तुम 2 सेंटीमीटर इसको रखोगे, उसके लिए पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस क्या निकल जाएगा, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्या निकल जाएगा, इंटेंसिटी। सब इसी में घूम रहा है, सब यही है, मैंने कहा ना यही सब कुछ है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या, कचरा तो नहीं हुआ, हौच-पौच तो नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के बाकी बात कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन किस चीज का किया था, बस पाथ डिफरेंस का डेरिवेशन किसका किया था, यानी थीटा पे पाथ डिफरेंस कितना होगा वो किया था। तो पाथ डिफरेंस और थीटा में रिलेशन, पाथ डिफरेंस और वाई एन में रिलेशन, बस दो चीज मिली थी, बाकी इसके अलावा हमने बात किया कि हम और क्या कर सकते हैं, यही ना बच्चों। यानी अभी अभी हमने पोजिशन और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, और पोजिशन की बजाय थीटा और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, ये दो चीज पढ़ा, अभी यही पढ़ा ना यहाँ पे। तो बताओ, तुम मुझे थीटा एन बताओ, मैं तुम्हें डेल्टा एक्स बता दूंगा, तुम मुझे वाई एन बताओ, मैं तुम्हें डेल्टा एक्स बता दूंगा, डेल्टा एक्स से तुम क्या निकाल सकते हो, पाई, पाई से क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे भी वही, समझा पाया हूँ। ये है अपना इस जो ऊपर पढ़ा उसकी स्टोरी, ये जो ऊपर पढ़ा उसकी स्टोरी है। अब उसी का उल्टा चल रहा है,
उसका क्या चल रहा है? क्या उल्टा? फिफ्थ मैक्सिमा कहां बनेगा? हो चुका है, बात कर चुका हूं मैं। फिफ्थ मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, 5 लैम्डा बोलो। उससे क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स रख दोगे ये वैल्यू, फाई निकालना है फाई निकाल दोगे, थीटा निकालना है थीटा निकालोगे, वाई एन निकालना है वाई एन निकालोगे। समझा पाए क्या बच्चों? ये सब आई है। तो अब यहां पे nth मैक्सिमा की पोजीशन का एक फॉर्मूला रख लिया मैंने, nth मैक्सिमा की पोजीशन का एक फॉर्मूला रख लिया, nth मैक्सिमा की पोजीशन का एक फॉर्मूला रख लिया, ठीक है। nth मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा। और पार्ट डिफरेंस कितना था? d sin थीटा। तो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अरे कुछ समझा पाया हूं? यस सर। ये देखो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा क्योंकि nth मैक्सिमा के लिए चाहिए, तो उससे sin थीटा एंगुलर पोजीशन आ गई। ये बहुत पूछा गया मेडिकल में, बस यही पूछा गया, 10 में से 8 क्वेश्चन एंगुलर पोजीशन पे मेडिकल, 10 में से 8 क्वेश्चन एंगुलर पोजीशन पे, याद करो यही सब पूछा, इसको कम पूछा गया बस। समझ गए बच्चों? अब देखो ये sin थीटा की वैल्यू तुम समझ रहे हो, tan थीटा मान के y / d कर दिया है ना, उससे तुम्हें पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा आ गया। यानी हमने अभी अभी दो चीज पढ़ा, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। थोड़ा मेस्ड है बस, ज्यादा रिजल्ट्स नहीं है, मेस्ड है। तो हम बात कर रहे हैं एंगुलर पोजीशन या पोजीशन की, और बात कर रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा की, बस ये दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। सुना क्या सबने? तो रिजल्ट क्या पड़ा? ये जो पड़ा उससे क्या हुआ? लाइन सभी के लिए, दोनों के लिए। लाइन सोर्स में हम बीचों बीच की बात कर रहे हैं, तो वो लाइन सुनो, पॉइंट सोर्स के लिए हाइपरबोला बनेगा ना, लेकिन हम बीचों बीच एक पॉइंट ले तो वो भी वही डिस्टेंस होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। साइड में नहीं जा रहे हम लोग, बीचों बीच की बात कर, आगे जाके वो कहीं और जाएगा। समझ पाया हूँ? ऐसी बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात, ठीक है ना। चलो सुनो बच्चा, तो अभी अभी हमने ये जो पढ़ा वो क्या था? कौन सा मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हें क्या बता दूंगा? एंगुलर पोजीशन या पोजीशन। इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले क्या पढ़ा था? एंगुलर पोजीशन से इंटेंसिटी, है ना, एंगुलर पोजीशन से intensity. और यहाँ पे इंटेंसिटी से, क्योंकि ये रिजल्ट टू में मैक्सिमा का मतलब क्या? इंटेंसिटी से एंगुलर पोजीशन, उसी का उल्टा चल रहा है ना, ठीक है बच्चों। इंजीनियरिंग के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट, जरा एंगुलर पोजीशन की वैल्यू बताओ। अभी हमने क्या किया? थोड़ा कॉपी में चलो निकालो डेरिवेशन, चलो फास्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर।